हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बिजनेस की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th बिजनेस का सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ के साथ डिलीटेड टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने इस बार अपने क्लास 11th बिजनेस के सिलेबस से डिलीट कर दिए हैं ड्यू टू कोविड-19। क्लियर है? तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि इस बार 2020 और 2021 के लिए क्या आपका सिलेबस है। तो गाइज, ये रहा आपके सामने क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि जो आपका पेपर होगा बिजनेस का, ये 80 मार्क्स का होता है, 80 नंबर का, और 20 नंबर का जो है गाइज आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है। आपको प्रोजेक्ट वर्क आपके टीचर देते हैं 20 नंबर का। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 80 नंबर की। देखो गाइज, ये जो 80 नंबर हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए ये भी 40 नंबर का है, पार्ट बी ये भी आपका 40 नंबर का है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पार्ट ए में कौन कौन से चैप्टर आपके आते हैं। तो मेनली गाइस, यहाँ पे पार्ट ए में आपको 6 यूनिट दे रखी हैं। ठीक है, तो पहली यूनिट है आपकी इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, उसके बाद यूनिट टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों यूनिट मिलके आपकी 16 नंबर की आएंगी इस बार के बिजनेस एग्ज़ाम में। ठीक है, जब आपका बिजनेस का एग्ज़ाम होगा, क्लास 11th बिजनेस का एग्ज़ाम होगा इस बार 2021 20 में, नहीं 2021 में जो आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये दोनों चैप्टर मिलके आपके 16 नंबर के आएंगे। और यूनिट थ्री और यूनिट फोर, जो यूनिट थ्री का चैप्टर कौन सा है, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, और फोर्थ बिजनेस सर्विस, ये दोनों दोनों यूनिट आपकी 14 नंबर के आएंगे। उसके बाद फिफ्थ जो यूनिट है आपकी इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, प्लस सिक्स यूनिट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ये दोनों मिलके आपकी 10 नंबर की आएंगी। तो पार्ट ए हमारा हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट और 40 नंबर हो गए हैं हमारे पूरे। तो अब हम बात कर लेते हैं पार्ट बी की। जो पार्ट बी है गाइस, 7 और 8 यूनिट दोनों मिलके आपकी 20 नंबर की आएंगी। यूनिट 7 में क्या है, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और यूनिट 8 में क्या है, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों यूनिट मिलके आपकी 20 नंबर की आएंगी। यूनिट 9 और यूनिट 10 ये भी आपकी 20 नंबर की हैं। यूनिट 9 में क्या है, इंटरनल ट्रेड, और यूनिट 10 में क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस। तो गाइस, हमने जो है पार्ट ए भी देख लिया है, पार्ट बी भी देख लिया है, और हमने 80 नंबर भी देख लिए हैं कि 80 नंबर किस तरह से हमें पढ़ना होगा 80 नंबर के लिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट वर्क की। देखो गाइस, जो प्रोजेक्ट वर्क है आपके टीचर के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो प्रोजेक्ट वर्क आपको क्या देता है, और प्रोजेक्ट वर्क जो है गाइस 20 नंबर का रहेगा। तो गाइस, हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है बिजनेस स्टडी का फॉर दी सेशन 2020-21। तो चलिए अब हम रिलेटेड टॉपिक की भी बात कर लेते हैं जो सीबीएसई ने इस बार बिजनेस स्टडी के सिलेबस से डिलीट कर दिए हैं। ठीक, तो लीजिए गाइस, ये रहे आपके सामने डिलीटेड टॉपिक। ठीक है, टॉपिक कहाँ कहाँ से डिलीट हुए हैं, यूनिट टू में से, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से आपका कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये टॉपिक आपका डिलीट हो गया है। अभी अपनी बुक उठाओ, एक पेन लो और इसको अभी काट दो। ठीक है, उसके बाद यूनिट थ्री की बात करें कि यूनिट थ्री में कौन कौन से टॉपिक आपके कटे हैं, ग्लोबल एंटरप्राइज फीचर, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये जो उसका कंसेप्ट है ये कट गया है। यूनिट फोर बिजनेस सर्विस में बात करें कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं आपके, पोस्टल सर्विस, मेल, रजिस्टर, पोल पोस्ट है, पार्सल, स्पीड स्पीड पोस्ट, कोरियर, इनके जो मीनिंग थे वो अब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिट फाइव की बात करें इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इसमें क्या क्या कट हुआ है, कौन क्या क्या डिलीट हुआ है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO, उसका कंसेप्ट, उसकी ज़रूरत, उसका जो स्कोप है वो आपको अब पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यूनिट सिक्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, इसमें डिलीट हुआ है कंसेप्ट एंड एलिमेंट, जो बिजनेस एथिक्स का कंसेप्ट है या उसका कोई एलिमेंट है, जो उसका एलिमेंट होते हैं, जो उसका कंसेप्ट है, वो आपको अब पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, ये तो हो गई पार्ट ए की बात कि जो भी पार्ट ए में डिलीट टॉपिक्स हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और कौन कौन से यूनिट में से हुए हैं, यूनिट टू में से, यूनिट थ्री में से, यूनिट फोर में से, यूनिट फाइव में से, और यूनिट सिक्स में से डिलीट हुए हैं। बाकी अदर यूनिट्स में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी में जो है गाइस, सिर्फ तीन
यूनिट से आपके टॉपिक डिलीट हुए हैं। यूनिट 7 में से टॉपिक डिलीट हुए हैं, यूनिट 9 में से और यूनिट 10 में से। यूनिट 7 में से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं? बोरो फंड इंटरनल यानी कि ICD, कॉर्पोरेट डिपॉजिट कंसेप्ट। ये जो इसका ICD का जो आपको कंसेप्ट है अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरनल ट्रेड में क्या रेट हुआ है ये रहा आपके सामने। जो आपको GST गुड एंड सर्विस टैक्स का जो कंसेप्ट था वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड इंटरनेट एंड स्मॉल स्केल फिक्स शॉप्स रिटेलर, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूनिट 10 इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो मीनिंग और प्रोसीजर है अब वो आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बाद इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल, मेड्स रिसिप्ट DA DP, ये भी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग और इसके ऑब्जेक्टिव भी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइस हमने आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस कर लिया है, टॉपिक जो ड्रेट हुए हैं वो भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग।